माँ तारा आज अपने बच्चों से, अपने भक्तों से अपना ये पावन संदेश सुनाने आई है। माँ तारा कहती है आपसे, मेरे बच्चे कितने भोले हो तुम, कितने अच्छे हो तुम। जब भी दूसरों को आवश्यकता होती है तुम तुरंत उनकी सहायता करते हो। जब तुम अकेला महसूस करते हो किसी को नहीं पुकारते। कितने कठिन दिन देखे हैं तुमने, कितने विषम परिस्थितियां झेली है तुमने, परंतु मेरी भक्ति कम नहीं हुई तुम्हारे मन से। मेरे बच्चे आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा मन शांत रहेगा, आज तुम भीतर से बहुत प्रसन्नता महसूस करोगे। आज मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। मेरी एक शक्ति सूक्ष्म रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी, कई द्वार खुलेंगे तुम्हारे लिए, कई सहायता के हाथ बढ़ेंगे तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारी एक बड़ी इच्छा मैं आज पूर्ण करने जा रही हूँ। तुम बहुत चंचल मन रखते हो, कोई कुछ कहता है और तुम विश्वास कर लेते हो। मेरे बच्चे तुम कितने भोले हो। आओ अपना हाथ मेरे हाथों में दो, तुम्हें सफलता की राह दिखाती हूँ। तुम पर धन की बारिश होगी, तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा मन शांत रहेगा और कोई भी मनुष्य आसानी से तुम्हें छल नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म बहुत उच्च हैं, तुम अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो और ऐसा मनुष्य मुझे बहुत प्रसन्न कर जाता है। मेरे प्रिय, यह कर्म भूमि है, यहाँ कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारे कर्मों पर मेरी सीधी दृष्टि पड़ रही है। तुम जब भी कुछ अच्छा करोगे तुम्हें उसका अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें फल देती रहूँगी।